जय हिंद साथियों। साथियों आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आर्मी एयरफोर्स और नेवी के लिए 10 अप्रैल को कराए जाने वाले लिखित परीक्षा के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे सेना भर्ती रैली और एग्जाम शुरू कराने सहित उम्र में छूट की मांग को लेकर देश में कहां कहां धरना प्रदर्शन हुए हैं, बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर गुस्साए अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, हजारों की संख्या में युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेनों को रोक दिया, इस खबर पर भी बात करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर बीएसएफ के जवानों के वायरल हुए वीडियो पर बात करेंगे। आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हुए हैं। इन सभी खबरों के अलावा और भी सेना व सेना भर्ती से जुड़ी कई खबरों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना देर किए जल्दी से जान लेते हैं एक एक कर सभी खबरें। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आर्मी एयरफोर्स और नेवी के लिए 10 अप्रैल को होगी एनडीएनए 2022 लिखित परीक्षा। आवेदन में त्रुटि सुधार और आवेदन वापस लेने के लिए 24 जनवरी तक का दिया गया था समय। अब लिखित परीक्षा को लेकर शुरू होगी तैयारी। एनडीएनए एग्जाम क्रैक करके सेना में अधिकारी बनने का सपना होगा पूरा। सेना भर्ती लिखित परीक्षा नहीं कराए जाने पर आक्रोशित युवाओं ने सुंदरबनी में फिर किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले साल हुई थी सेना भर्ती रैली, लेकिन लिखित परीक्षा अब तक नहीं कराई गई। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे मुख्य चौक पर प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने की केंद्र सरकार और सेना मुख्यालय से जल्द सेना भर्ती परीक्षा कराने की मांग। इधर रेवाड़ी में सेना भर्ती उम्र में छूट की मांग को लेकर युवाओं ने शहर के नेहरू पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक निकाली आक्रोश रैली। रक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन में युवाओं ने कहा, 2 साल से सेना भर्ती का इंतजार करते करते युवा हुए ओवर एज, उम्र में छूट देकर अब जल्द से जल्द भर्ती कराए सरकार। इधर बिहार के पटना से बड़ी खबर है, परीक्षा में घोटाले को लेकर गुस्साए अभ्यर्थियों ने विरोध करते हुए रोक दी ट्रेन। बिहार के पटना में सोमवार को रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के परिणाम में हुए घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। परीक्षा परिणाम में हुई धांधली के विरोध में बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर जमा हुए अभ्यर्थी, कई ट्रेनों का समय हुआ प्रभावित। और अब खबर कुछ हटकर, पहले सेना में रहकर के देश की सेवा, अब रिटायर होने के बाद युवाओं को फिजिकल की निशुल्क ट्रेनिंग देकर कर रहे समाज सेवा। श्री गुरु नानक खालसा कॉलेज मैदान में मलकीत सिंह करा रहे युवाओं को दौड़ सहित सेना भर्ती की अन्य सभी प्रक्रियाओं की निशुल्क तैयारी। बोले, युवाओं का सेना में जाने का सपना पूरा हो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा। और अब खबर गर्व की, बीएसएफ के जवान शहीद दिनेश सिंह के पार्थिव शरीर का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। पैतृकगांव नागौर जिले के बोरावड़ के निकट लाड़ौली गांव में सैन्य सम्मान से किया जाएगा अंतिम संस्कार। बीएसएफ के जवान ने अगरतला में हृदय गति रुकने से रविवार को ली थी अंतिम सांस। गांव सहित क्षेत्र में गम का माहौल। युवा बोले, देश पर जान देने वाले गाँव के बेटे पर सभी को गर्व है। और अब खबर देश विदेश की, चीन ने ताइवान रक्षा क्षेत्र में भेजे 39 युद्धक विमान। पलटवार करते हुए चीन को जवाब देते ताइवान ने भी भेज दिए अपने जेट विमान। ताइवान रक्षा क्षेत्र में चीन की ओर से अब तक की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, इससे पहले पिछले साल अक्टूबर माह में चीन की ओर से सर्वाधिक 56 विमानों ने ताइवान की ओर भरी थी उड़ान। और अब खबर जोश की, सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहे बीएसएफ के जवान के वीडियो। बर्फबारी के बीच 40 सेकंड में बीएसएफ के जवान ने लगाए 47 पुशअप। सोशल मीडिया पर लोग बीएसएफ के जवान की जमकर कर रहे तारीफ। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी के बीच नंगे बदन बीएसएफ के जवान करते दिखे वर्कआउट। लोगों ने तारीफों के बांधे पुल। एक सोशल मीडिया यूजर ने जवानों की तारीफ में उनके जोश को बढ़ाने के लिए कुछ इस कदर लिखा, बर्फीली ठंड भी उन वीरों का क्या बिगाड़ेगी जिनके सीने में जोश की भट्टी धधकती हो और रगों में बहता हो गर्म लावा। और अब बात करते हैं सेना भर्ती नहीं होने से परेशान युवाओं की समस्या पर। 2 साल से अधिक समय से सेना भर्ती पर लगी रोक को लेकर छलका युवाओं का दर्द। बोले, अगर देश में यूं ही सब चलता रहा तो फिर सेना में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। आंखों में गुस्सा और बेबसी लिए युवा बोले, दौड़ते दौड़ते पैरों में पड़ गए छाले, सरकारें अब तो सेना भर्ती कराओ। और अब खबर गणतंत्रता दिवस को लेकर, एक तरफ मौसम सर्द था तो दूसरी ओर सदी हुई चाल से विधान भवन की ओर बढ़ रहे जवानों का जोश हाई था। इनके बीच जब युद्ध टैंक T-90 की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो कुछ पल के लिए वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गणतंत्र दिवस की परेड फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना और सशस्त्र बल के जवानों ने कुछ इस तरह रिहर्सल किया कि वहां मौजूद लोग देखते ही रह गए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर इस बार कुछ अलग ही नज़ारा दिखेगा। आज़ादी से लेकर अब तक की अलग अलग सभी यूनिफॉर्म में जवान और ऑफिसर नजर आएंगे।
साथियों, एक ही वीडियो में देश भर से सेना व सेना भर्ती से जुड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर खबरों को लेकर आपके कुछ सुझाव हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए, आपको यह हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, जिन साथियों ने अभी तक भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सभी साथी आज ही डी न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।